Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बहादुर शाह जफर हमारे उस स्वतंत्रता संग्राम की नायक है जिसमें हम हार भले ही गए थे, पर हिंदुओं व मुसलमानों क्रांतिकारियों ने उसे एकजुट होकर लड़ा था और अपनी एकता की शक्ति से अंग्रेजों में खौफ पैदा कर दिया। भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र आते ही उनकी उर्दू शायरी और हिंदुस्तान से उनकी मोहब्बत के लिए याद किया जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों और देश के सभी राजाओं का एक सम्राट के तौर पर नेतृत्व किया। इसके लिए इन्हें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर ऐसी मौत दी कि 132 साल तक किसी को इनकी कब्र के बारे में पता ही नहीं चल पाया। बादशाह बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। सन 1837 में जब पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत हो गई तो वह गद्दी पर बैठे। इतिहासकारों का कहना है कि अकबर शाह द्वितीय नरम दिल व कवि हृदय बहादुर जफर को मुगलों का शासन नहीं सौंपना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे मुगलों का पतन हो रहा था और अंग्रेज पूरे देश पर कब्जा जमा रहे थे। मुगलों के पास राज्य करने के लिए सिर्फ दिल्ली यानी शाहजहांबाद ही बचा रह गया था। मेरठ से जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति शुरू हुई तब अंग्रेजों की आक्रमण से आक्रोशित विद्रोही सैनिक और राजा महाराजाओं ने एकजुट होना शुरू किया। तब उन्हें अपने क्रांति को एक दिशा देने के लिए एक केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से बात की। बहादुर शाह जफर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन 82 वर्ष के बूढ़े शाह जफर अंततः जंग हार गए और अपने जीवन के आखिरी वर्ष उन्हें अंग्रेजों की कैद में गुजारने पड़े। भारत की आखिरी मुगल शासक बादशाह शाह जफर को 6 नवंबर 1862 को लकवे का तीसरा दौरा पड़ा और 7 नवंबर की सुबह 5 बजे उनका देहांत हो गया। ब्रिगेडियर जसवीर सिंह अपनी किताब कमेंट डायरी एंड इन इलस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस कंडक्ट बाय 4th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट में 1788-1974 में लिखते हैं, रंगून में जिस घर में बादशाह शाह जफर को कैद करके रखा गया था उसी घर के पीछे उनकी कब्र बनाई गई और उन्हें दफनाने के बाद कब्र की जमीन समतल कर दी गई। ब्रितानी अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी कब्र की पहचान ना की जा सके। उस समय जफर के अंतिम संस्कार की देखरेख कर रहे ब्रिटिश अधिकारी डेविस ने भी लिखा है कि जफर को दफनाते वक्त करीब 100 लोग वहां मौजूद थे और वह ऐसी ही भीड़ थी जैसे घुड़दौड़ देखने वाली या सदर बाजार घूमने वाली। जफर की मौत के 132 साल बाद 1951 में एक स्मारक कच्छ की आधारशिला रखने के लिए की गई खुदाई के दौरान एक भूमिगत कब्र का पता चला। बादशाह जफर की निशानी और अवशेष मिले जिसकी जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि वह जफर की ही है। आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में 87 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन उनकी दरगाह 132 साल बाद 1994 में बनी। इस दरगाह की एक ईंट में आखिर बादशाह की जिंदगी के इतिहास की महक आती है। इस दरगाह में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रार्थना करने की जगह बनी है। सदियों तक भारत में राज करने वाले मुगलों के वंशज आज झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। 60 साल की सुल्ताना बेगम भारत की आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पौत्र वधु हैं। अपनी शाही विरासत के बावजूद वो मामूली पेंशन पर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी रहती हैं। उनके पति राजकुमार मिर्जा बेदर बख्त की साल 1980 में मौत हो गई थी और तब से वो गरीबों की जिंदगी जी रही हैं। वो हावड़ा की एक झुग्गी झोपड़ी में रह रही हैं। यही नहीं उन्हें अपने पड़ोसियों के साथ किचन साझा करना पड़ता है और बाहर के नल से पानी भी भरना पड़ता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.